नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शुक्ला और आप देख रहे हैं डीप नॉलेज। आज मुझसे कोई पूछ रहा था कि सर वो कौन सी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कोई भी इंसान सक्सेसफुल नहीं हो पाता, ख़ासतौर से वो लोग जो सचमुच में चाहते हैं, जो लोग बहुत बहुत सोचते हैं आगे बढ़ने के लिए और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने के लिए एम्बिशियस लोग, वो लोग भी क्यों नहीं कर पाते, वो लोग क्यों उनकी रुकावट आ जाती है सक्सेसफुल होने में। तो इसके बारे में मैं सोच रहा था, 2-3 दिन से सोच रहा था कि इस क्वेश्चन का तो बहुत ढेर सारे हम लोगों ने वीडियोज़ बनाए हैं और बहुत जगहों पर बातें भी हो रखी हैं, लेकिन फिर मैंने काफ़ी दिन तक इसको 3-4-5 दिन तक रिव्यू करने की कोशिश की और फिर अचानक एक चीज़ मेरे मन में आई जो सबसे बड़ा वजह है जिसकी वजह से लोग भूल जाते हैं, रास्ता भटक करके कहीं और चले जाते हैं। इसको थोड़ा समझना होगा आपको, क्योंकि ये प्रॉब्लम को जिन लोगों ने भी सचमुच में अपनी सक्सेस हासिल की है, उन्होंने कॉन्शियसली इसको दबाया है, कंट्रोल किया है, तभी वो लोग आगे गए हैं। एक तो हमारे कंपनी के खुद के जो चेयरमैन हैं, जिसमें मैं जॉब करता हूँ, उनकी खुद की बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें 1000 लोग एम्प्लॉई हैं और वो सैलरी पे करते हैं, तो उनसे भी जब मेरी बात हुई तो उन्होंने इसी का जिक्र किया था कि किस तरह से इसको उन्होंने कंट्रोल कर रखा है। मैं आपको बताऊँगा उसके बारे में। तो ये प्रॉब्लम क्या है जो हमको रोकती है सक्सेसफुल होने के लिए? हमारा एम्बिशन, हमारे गोल्स, यही हमारी प्रॉब्लम है। थोड़ा उल्टा लगेगा, ये थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। जब भी हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हम अपने काम की या अपनी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए नहीं होना चाहते, हम किसी और को देख करके उसकी तरह की लाइफ जीना चाहते हैं। थोड़ा सा बारीक है ये, समझिएगा, बिकॉज हम जिस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं उसमें हमारा माइंड और हमारी लाइफ बहुत कंफर्टेबली चल रही है। हमने अपने ऐसे दिमाग में और लाइफ में भी ऐसे कोने बना रखे हैं जिसमें हम कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन जब हम किसी और को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा एफ्लुएंट है, बहुत ज़्यादा अमीर है, बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ है, तो हमको लगता है यार वैसा होना चाहिए, शायद उसमें ज़्यादा कम्फर्ट है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, इस जो हमारा नॉर्मल कम्फर्ट है उसमें से निकल करके उसमें जाने के लिए हम इमेजिन करते हैं कि वहाँ हमको जाना है। और ये सब हमको कहाँ से बिलीफ आता है कि हम उतना बड़ा काम कर सकते हैं, किसी और की तरह बड़ा काम कर सकते हैं? हमारे आसपास के लोग हमको बोलना शुरू कर देते हैं, तुम्हारे अंदर में बहुत काबिलियत है, तुम बहुत टैलेंटेड हो और तुम चाहो तो ये काम कर सकते हो, तुम बड़ा बिजनेस खोल सकते हो, या तुम स्कूल कॉलेज टॉप कर सकते हो, या तुम जो भी बड़ा एम्बिशन आपसे सोच रखा हो वो सब कर सकते हो। तो हम अपने लिए एक गोल बनाते हैं जो बहुत दूर का और बहुत बड़ा गोल होता है, और वो इतना बड़ा गोल होता है कि हम उसमें, उस फील्ड में जो भी बेस्ट होते हैं उनके साथ अपने आप को बराबर मानना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए आपका यूट्यूब चैनल है तो आप एक बहुत बड़ा यूट्यूबर सोच लेंगे कि वो यूट्यूबर है और मैं उससे कम्पीट कर रहा हूँ। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो अपने शहर का सबसे अमीर आदमी को, बिजनेसमैन को सोच लेंगे कि ये तकरीबन इसकी तरह मुझे अमीर होना है या बिजनेस खड़ा करना है तो मैं उसकी कंपटीशन में मैं हूँ। या आपके स्कूल में, अगर कॉलेज में कोई लड़का है जिसको आप कम्पीट कर, जो बेस्ट है, जो टॉपर है, उसको आप कम्पीट करना चाहते हैं, या कोई भी फील्ड में जो आपका बेस्ट है उसको आप चाहते हैं, और वो आपका एक तरह का टारगेट हो जाता है और उसके साथ आपकी कॉम्पिटिशन शुरू हो जाती है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा इल्यूजन है, क्योंकि जो भी आदमी के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं, आप कंपीट कर रहे हैं, वो कोई अलग ही चीज है, वो आप कुछ अलग ही चीज हैं। आपकी जो रोज़मर्रा की एफर्ट्स हैं, छोटे छोटे एफर्ट्स जो आप करते हैं अपनी पढ़ाई में, अपने बिजनेस में, अपने जो भी काम को आप बड़ा करना चाहते हैं, वो एफर्ट और उस बंदे के जो एफर्ट्स हैं वो ज़मीन आसमान का अंतर होता है। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैं डॉक्टर हूँ और मैं सोच रहा हूँ मैं अपना सेंटर खोलूँगा, और मैं इतना ही बड़ा सेंटर खोलूँगा जितना बड़ा सेंटर में मैं जॉब करता हूँ। तो जिस कंपनी में मैं जॉब करता हूँ, जिस सेंटर में मैं काम करता हूँ, उस पर करीब 45-40 लोग जॉब करते हैं इस समय, मेरे और रिम्पी के अलावा भी ऑलमोस्ट 40 लोग जॉब करते हैं, 40 लोगों की सैलरी मिलती है, और मैं सोचूं नहीं मुझे वैसा ही खोलना है। अब क्या होता है, धीमे धीमे वो चीज़ फ़िलहाल तो मैं कर नहीं सकता, लेकिन मन ही मन मैं कंपेयर कर रहा हूँ उस चीज़ के साथ कि मैं वो हूँ या मैं वो हो सकता हूँ। तो क्या होता है पता है, धीमे धीमे अपने मन में एक इल्यूजन क्रिएट होती है कि मैं सचमुच में उतना बड़ा हूँ। जो गोल्स के बारे में आप लोगों को बताना शुरू कर देते हो, अपने आप को बताना शुरू कर देते हो, गोल्स, बड़े बड़े गोल्स, वो आपको इल्यूजन देते हैं। हम लोग कंपैरिजन खाली नहीं करते, कंपैरिजन करते करते हम मानना शुरू कर देते हैं कि हम इतने ही बड़े गोल के लायक हैं, इससे कम गोल के लायक हम नहीं हैं। और जब ये हम मानते हैं कि इससे कम के नहीं हैं, तो जो हमारा एफर्ट है, जो भी थोड़ा बहुत एफर्ट डाल रहे हैं, वो छोटे छोटे एफर्ट्स डालने का मन नहीं करता, क्योंकि हमको पता है छोटे एफर्ट्स वो बड़ा रिजल्ट लेकर नहीं आएंगे।
तो फिर धीमे धीमे हम छोटा एफर्ट भी बंद कर देते हैं। मान लीजिए कोई लड़का है टॉप करना चाहता है, जो टॉपर लड़का है वो दिन में 10 घंटे पढ़ रहा है, कि जो बेचारा मीडियोकर बच्चा है वो दिन में 2 घंटे पढ़ रहा है या 1 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन 1 घंटे के बाद उसको पता चलता है कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, तो 1 घंटे भी छोड़ देता है। क्यों? बिकॉज 1 घंटे से वो टॉप नहीं कर सकता, टॉपर 10 घंटे देता है तो ये भी 1 घंटे छोड़ देता है। तो ये जो हमारा अपना ही लिए जो बड़ा सा गोल बना रखा है वही हमारे ऊपर भारी पड़ जाता है, हम उसको छोड़ देते हैं। जब मैं हमारे बॉस से बात कर रहा था, हमारे चेयरमैन से बात कर रहा था कंपनी की, तो मैंने उनसे पूछा, सर आपने इतना बड़ा बिजनेस कैसे खड़ा किया, क्या सोचा, क्या आपकी इंस्पिरेशन कही, क्या एम्बिशन रही? तो बार बार मुझसे एक सेंटेंस रिपीट कर रहे थे, बोलते मैंने अपने आप को बार बार यही बोला, मैं कोई ध्रुव मानी मानी नहीं हूँ, मैं कोई ध्रुव भाई मानी नहीं हूँ, मैं कोई बड़ा टाटा बिरला नहीं हूँ, टाटा बिरला नहीं हूँ। मैंने कहा मतलब? बोलते मैंने ये सोचा था कि मैं एक पेशेंट, दो पेशेंट, तीन पेशेंट, पेशेंट्स को गिनना शुरू किया था मैंने, कितने पेशेंट्स को मैं इलाज कर पाता हूँ या अपने सेंटर के जरिए इलाज करवा पाता हूँ। मैंने कहा इसमें धीरू भाई माने की बात कहाँ आती है? बोलते मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं उनके साथ कंपीट कर रहा हूँ, बड़े बड़े लोगों के साथ। अगर कंपीट करना होता तो मैं शुरुआत नहीं कर पाता। तो आपको ये देखना होगा कि आपका अगले 1 हफ्ते में, अगले 2 हफ्ते में, अगले 1 महीने के अंदर में क्या क्या स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। वही आपका गोल है, वही आपका टारगेट है, और कोई आपका टारगेट नहीं है। अगर इसके अलावा आपने कोई और बड़ा गोल बनाया तो गए काम से। इनफैक्ट ये पूरी की पूरी एक साइंस है, इसको बोलते हैं साइंस ऑफ एग्जीक्यूशन, ये वर्ल्ड क्लास एग्जीक्यूशन होता है। अगर आप चाहते हैं इस तरह का एग्जीक्यूशन को अपने बिजनेस में लागू करने के लिए, अपने काम में, अपने करियर में लागू करने के लिए, तो हम लोगों ने इसका एक कोर्स बना करके अभी लॉन्च करने वाले हैं कुछ दिनों में, आप उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। उसका नाम ही रखा है हम लोगों ने वर्ल्ड क्लास एग्जीक्यूशन, तो यू आर मोस्ट इन्वाइटेड टू ज्वाइन दैट कोर्स। और इसके अलावा हमारा जनोगा बेसिक कोर्स, इसके जरिए आपकी अपनी पर्सनल माइंड की और बॉडी की और पूरा स्पिरिचुअल एनर्जी की एक फील्ड इकट्ठी होगी, जिसके जरिए आप कोई भी चीज़ अगर करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल हो पाएगा। तो आप मोस्ट इनवाइटेड हैं उसको ज्वाइन करने के लिए, और सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। आपके कमेंट के जरिए हमको मालूम होता रहता है कि आप क्या चाहते हैं, किस तरफ चाहते हैं कि हम लोग बढ़ें, हम आपके क्वेश्चन का आंसर कैसे कैसे दें। थैंक यू सो मच। दोस्तों, हम चाहते हैं कि आप जनोगा को ठीक ऐसे ही समझें जैसे एक योगी योग को समझता है। योगी वो नहीं है जो घर बार छोड़ करके कहीं साधु संन्यासी बन जाता है, योगी वो है जो अपने माइंड के साथ काम करता है, बिकॉज उसको विश्वास हो चुका है कि टीचर्स होते हैं, मास्टर्स होते हैं, और उनको वो खोज रहे हैं, स्टूडेंट्स खोज रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जनोगा बेसिक कोर्स के जरिए आप अपने आप को सचमुच का एक जनोगी बना सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम। बिज़नेस को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, एक हम लोग बिज़नेस बेसिक कोर्स लेकर आ रहे हैं, जिसको ज्वाइन करके आप किसी भी तरह का बिज़नेस करें, किसी भी तरह का आप सीख सकते हैं, बशर्ते आप विलिंग हो इस पूरे एक्सपेरिमेंट को सीखने के लिए। चाहे गूगल हो, चाहे एप्पल हो, जो भी दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उन्होंने इस एग्जीक्यूशन के मेथड को अप्लाई किया है, तभी वो बड़े हो पाए हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपका बिज़नेस बेसिक कोर्स में स्वागत है। Thank you so much.